डॉक्टर आलोक सिंगल। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है ये बहुत जरूरी है आपके हार्ट को और हार्ट को क्या पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और इसके लिए जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है उन वजहों को ध्यान देना चाहिए। अगर वो आपके अंदर हैं तो उनका फौरन ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये वजहें हैं हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या डायबिटीज़, इंक्रीज फैट या हाइपरलिपिडीमिया एंड स्मोकिंग, कुछ क्लॉटिंग बनने की टेंडेंसीज होती हैं, उन सब का ध्यान रखें। डॉक्टर नितिन अग्रवाल, ध्यान रखना है, हमें क्या कराना है, हमारे लक्षण कैसे हैं और हमें कैसे बचना है, और कुछ जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं वो सबको समझने हैं। आजकल लोगों को पता नहीं लगता, वो सोचते हैं क्या करना है, जैसे ECG होता है, एको होता है, ये इस तरीके के टेस्ट हैं, ट्रेडमिल टेस्ट हैं जो हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, और वहाँ जाकर के इनका निरीक्षण कराएं, चेक कराएं, अपने रिस्क फैक्टर्स चेक कराएं और उनको कंट्रोल में रखें, जिससे कि आगे हार्ट अटैक होने की संभावना कम से कम हो पाए। डॉक्टर मोहम्मद अजरुद्दीन मले। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, आपकी दिल की धमनी रुक में खून का थक्का बन गया, खून का दौरान रुक गया, एक बार दिल की मांसपेशी पूरी तरह से डेड हो जाती है, पूरी तरह से मर जाती है, तो हम लोग वो सारा इलाज भी करते हैं, नस खोलते हैं, उसमें स्टेंट लगाते हैं भले ही दवा से या कैसे भी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता है। तो इलाज के सारे रिस्क, सारे नुकसान उतने ही रहते हैं, लेकिन देरी से फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता है। और डॉक्टर आलोक सहगल, तो ये हमारे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जिसमें आपको एटलीस्ट डेली कम से कम 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। अक्सर आजकल हम गैजेट से देखते हैं कि हमारे कितने स्टेप्स चले, वो बहुत मिसगाइडिंग होता है, बहुत मिसलीडिंग होता है। अल्टीमेटली हमारे को 30 से 40 मिनट नॉनस्टॉप बिना रुके पैदल चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे को अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना है, हमारे को अपने खाने से चिकनाई वाली चीज़ें जितना कम हो सके उतना कम करना है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो देखें 7 नवंबर 2021 को जी हिंदुस्तान पर। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर, और शनिवार 13 नवंबर 2021 को रात 8 बजे से फेसबुक लाइव पर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड।